Hello. Hello. How are you? I'm fine, thank you. You're fine, thank you. Yes. और आज भी कैब वैब पहन के कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी? ट्रेन ट्रेन में में और जा रहे? मैं भगवान जी जा रही हूँ। भगवान जी के घर जा रहा हूँ मैं। हाँ? हाय। फ्लाइंग किस दे दो, फ्लाइंग किस कर दो। तो दोस्तों सुस्वागतम, हम पहुंच गए हैं आखिर में कैला देवी के धाम। आप भी चलिए और दर्शन करिए हमारे साथ इस धाम के। पहले से तो बहुत चेंज हो गया है ना। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अब हम आए हैं शादी के 6 साल बाद, तो काफ़ी सारे बदलाव हो गए हैं। और जो गौरी है वो तो बस मस्ती करने में लगी हुई, और जो पापा मम्मी हैं वो थोड़ा चढ़ाई है तो थोड़ा चलते चलते थक गए हैं, तो यहाँ पर एक जगह दुकान के पास बैठ गए हैं, रेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर लिया है हमने अब प्रसाद यहीं दुकान से। हाँ, दीपक स्टैंड बना हुआ है फूल का, नहीं अंदर दोनों बच्चों के लिए ये ले लो, माथे पे बांध लेंगे ये लोग ऐसे। हाँ ये मम्मी मुझे यहाँ पर जो है हमारी जो कुल देवी है उनके नाम से भी अलग से प्रसाद लेने के लिए बोल रही हैं। तो बस इसी को कहते हैं ना कि बड़े बूढ़े अगर साथ में हो तो कुछ ना कुछ याद दिलाते रहते हैं, तो मम्मी वही ले रही है यहाँ पे। ये आ गए हम, फाइनली हम पहुंच गए। फ्रेंड्स तो दीवे जला के अब हम जो मुख्य जो गर्भगृह होता है उसके लिए प्रवेश कर रहे हैं, तो बाकी सब लोग आगे निकल के मैं पीछे पीछे शूट करती हुई आ रही हूँ। और यहाँ से जो एंट्री है, सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ पर जब हम आए थे तो कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, तो दर्शन हमें बहुत आराम से हुए। और यहाँ से बस आप ये लाइन लगी हुई है सीधे चलते हुए जाते हैं। यहाँ पर जो मान्यता है बहुत से लोग शादी हो के जो जोड़ा होता है दूल्हा दुल्हन का वो यहाँ पर आता है, न्यूली मैरिड कपल्स जिनके बच्चे का जो मुंडन होना होता है यहाँ पर मुंडन भी होता है। मेरे ख्याल से शायद यहाँ लिखा हुआ है कहीं पर कि अंदर फ़ोन या कैमरा अलाउड नहीं है और बाहर पुलिस वाले भी खड़े हैं, तो शायद अलाउ ना करें। और जैसा कि मैंने बताया था दे आर नॉट अलाउइंग। ये जो पूरा ऊपर गुंबद बना हुआ है, ध्वजा है, ये यहाँ का सुंदर नज़ारा, दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गए। अंदर अलाउड नहीं था क्योंकि फोटोग्राफी वगैरह किसी चीज़ के लिए परमिशन नहीं है, तो इसलिए अंदर तो आपको दर्शन नहीं करा पाई मैं, लेकिन आप बाहर से इस धाम के दर्शन जरूर कर सकते हैं। ये मंदिर में सेवा हो रही है। हाँ भी पापा मम्मी थक गए हैं। चलो चलो, वन मोर टाइम।
तो फ्रेंड्स अब हमारी जो परिक्रमा है वो पूरी हो गई है। तो ये जो बाहर बाहर से जो मंदिर में वो वहाँ दिखा दे रही हूँ, ये सब लोग अपनी पूजा वूजा में लगे हुए हैं, अपने अपने ढंग हैं देवी को मनाने के, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। अब हम जा रहे हैं हवन स्थली की ओर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग बैठे यहाँ हवन भी कर रहे हैं। फ्रेंड्स अब जो है परिक्रमा होने के बाद मैं आसपास दिखा दे रही हूँ और मैं रह गई हूँ पीछे, तो मुझे फटाफट पापा मम्मी को फॉलो करना है। और अब आ गए हैं, खाने का टाइम हो रहा है, तो हम लोग आ गए यहाँ पे भोजनालय है, यहाँ मंदिर के अंदर ही कैंटीन है। भैया 2-8 मिलेगा साइज। और क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है कि जब आप कैला देवी से आते हैं तो आप चूड़ी या सिंदूर कुछ खरीदते हैं, तो यहाँ पर मैं पहनूंगी, मम्मी पहन रही हैं और हमारी गौरी भी। और ये जो है बाहर मंदिर के बाहर जो है मार्केट है, जहाँ से आप अपना पूजा का सामान ले सकते हो, जो देवी की जो मूर्ति होती है आप वो ले सकते हो। मेरे पास पहले से ही घर में है तो मैंने नहीं खरीदी, लेकिन चाबी के छल्ले, छोटे मोटे जो कड़े होते हैं, लॉकेट होते हैं, ये सब वहाँ बाज़ार में जो चकाचौंध थी वो बस देखते ही बन रही थी। आइए और आप भी देखिए हमारे साथ कैला देवी का मार्केट। हम बस स्टैंड, यहाँ से बस जाएगी वापस गंगापुर सिटी के लिए। तो दोस्तों 2 घंटे का बस का सफ़र करके अब हम आ गए अपने गंगापुर सिटी स्टेशन पे। यहाँ से हम ट्रेन पकड़ेंगे कोटा के लिए एंड वी विल बी बैक टू होम। बहुत थकान हो रही है अभी से, तो इसी के साथ आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये आपका व्लॉग, आज का जो व्लॉग है, पसंद आया होगा। इसी के साथ जय माता दी।